इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। खबर एमपी के कटनी से है, जहां पूर्व महापौर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रकाश मिश्रा के फार्म में पुलिस ने लगभग रात 2 बजे छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में केरोसिन व बायोडीजल मौके से बरामद किए गए। औचक छापेमारी से शहर के डीलरों और पंप संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। रात से सुबह तक इस कार्रवाई में 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कल सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर कलेक्टर साहब ने और पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। परुआ करके जगह है कोटला थाने के अंतर्गत, वहाँ पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर रेड की कार्रवाई की गई थी पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा। उसमें 3 टैंकर केरोसिन के पाए गए और 1 टैंकर बायोडीजल का पाया गया, और उसके अतिरिक्त वहाँ पर चेक करने पे पाया गया कि बहुत सारा सामान केमिकल, उनको खाली टैंकरों को खाली करने का काम, ये सभी सामान भी हम लोगों को वहाँ से प्राप्त हुआ है। इन सब में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है, और उसी समय हम लोगों को उसी कैंपस में देखा गया तो एक बस खड़ी हुई थी, जिस बस का नंबर जो है वो ही नंबर की बस एक बस स्टैंड पर भी मिली। इसका मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन पे 2 बसों का संचालन भी पाया गया, वो भी कार्रवाई की गई। इस प्रकार पुलिस के द्वारा कुल 4 FIR दर्ज की गई हैं। गंभीर धाराओं का प्रकरण होने से गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है अभी तक, और इसमें पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको और उनके सभी साथियों को इसमें मुलजिम बनाया गया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, कितना केरोसिन जब्त किया गया है और क्या? लगभग इसमें 20,000 लीटर से ऊपर केरोसिन जब्त किया गया है, 10,000 लीटर के लगभग जो है बायोडीजल जब्त किया गया है, और इसके तीसरा जो उनका जो टैंकर है, टैंकर वो जो टैंक है, चैम्बर है, उसके अंदर भी 10,000 लीटर के आसपास मिक्स वाला पाया गया है। इस प्रकार से कुल 40,000 लीटर से अधिक का हुआ है, और जो टैंकर और ये सब मिला के कीमत 1 करोड़ से ऊपर की जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सर, केरोसिन कहाँ से आता था? इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब इसका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं कि ये केरोसिन कहाँ से आया है। सर, ये बायोडीजल जैसे लेके आते रहे, क्या उसकी अनुमति थी और ये राजस्थान से कब चला रहे हैं? बायोडीजल का कलेक्टर साहब से जब बातचीत हुई थी, कलेक्टर साहब ने बताया कि इस पूरे कटनी जिले में किसी को भी बायोडीजल की परमिशन नहीं है, अतः यहाँ पर जो बायोडीजल पाया गया पूर्ण रूप से अवैध पाया गया, इसलिए उसके विरुद्ध भी FIR ली गई है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।